हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जान गए होंगे कि मैं बात करने वाला हूं आपके बिहार सिपाही रिजल्ट 2020, आप लोगों ने जो आरटीआई लगाए थे उसके रिस्पॉन्स के ऊपर मैं आपके नाम बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं कि सर मेरा नहीं हुआ, एक दो कमेंट्स मेरे को देखने को मिले। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें, आप कमेंट्स करने से पहले सबसे पहले आपको जो लिस्ट दी गई है 5-6 अभी तक करीबन 6 से 7 लिस्ट हो गई है, जिसमें आप नाम चेक कर लिया करो, उसके बाद कमेंट किया करो। क्योंकि अभी मेरे पास जो कमेंट आए थे करीबन 2-3 कि सर मेरा नाम अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, लेकिन आपको बता दें आपका नाम ऑलरेडी पहले से निकल चुका है। अभी मैंने चेक किया तो तीनों का नाम मिल गया। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं आपका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप टेंशन ना लेना। और अभी तक लास्ट डेट में जितने मेरे पास आए थे कि सर मेरा आरटीआई लगा दीजिए, मुझे भी अपने मार्क्स चेक करना है, मुझे भी जानना है मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, और मुझे भी जानना है कि बिहार पुलिस सिपाही का रिजल्ट कितना कट ऑफ गया है प्रत्येक कैटेगरी का, तो फ्रेंड्स आपके सभी नाम मैं बताने वाला हूं। और यदि आप भी चाहते हैं कि सर मेरा भी कर दीजिए, आप न्यू हैं, तो दोस्तों आपको कमेंट करना होगा। आपको यहां पर नीचे लिंक दिख रही होगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए लिंक पर, अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है सबमिट कर दीजिए, आपका आरटीआई तुरंत ही लगा दिया जाएगा। ओके, आप इसकी टेंशन नहीं लेना, चूंकि आप कैंडिडेट बहुत कम आते हैं तो आपका आरटीआई तुरंत ही लग जाता है। तो आपको नीचे जाना होगा और आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, आपको कैसे क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, चूंकि मैंने बार बार बताया है अब नहीं बता पाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा टाइम न लेते हुए करते हैं नामों को जारी कि आखिरकार वो कौन कौन से नाम है। लेकिन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात करते हैं यहाँ पर कैंडिडेट के नाम की। तो दोस्तों आपको नाम दिख रहा होगा, क्या आपको नाम दिख रहा होगा, सत्येंद्र कुमार। जी हाँ दोस्तों, सत्येंद्र कुमार ने मेरे पास कल भेजा था कि सर मेरी आईटीआई कर दीजिए। आप लोगों का कल ही हो गया था बट वीडियो आज बन रही है आपकी, है ना। तो आप ये नहीं समझना कि आज ही किया है सर ने आईटीआई, आप लोगों का तुरंत ही हो जाता है 1-2 घंटे के अंतराल से। बट आपकी जो नाम है वो थोड़े टाइम से, जब मेरे को टाइम मिलता है मैं आपको वीडियो बनाकर बता देता हूँ। और दोस्तों आप तो आप लोगों को ईमेल भी कर दिया जाता है, तो आप ईमेल आईडी पर चेक करिए कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। यहाँ पर आप चेक नहीं कर पाते तो आप यहाँ से भी नोट कर लें। आपका यहाँ पर दिख रहा है क्या नाम दिख रहा है दोस्तों, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी बाकायदा दिख रहा है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन नंबर BR2020555349। ओके, और आपने पूछा क्या है जरा मैं वो भी बता देता हूँ। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 99% की यही क्वेरी आ रही कि सर मेरे मार्क्स कितने आए, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, और बिहार का यहाँ पर बिहार सिपाही का प्रत्येक कैटेगरी का कट ऑफ किया गया है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट भी यही है, सर गिव मी इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ मनी नंबर्स वर रिसीव्ड इन माय बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटर्न एग्जाम 2019-20। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि मतलब मेरे मार्क्स कितने आए हैं मुझे बताइए 2019-20 बिहार पुलिस के लिखित एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का है, सर बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटर्न एग्जाम 2019-20 हाउ मच इज द कैटेगरी वाइज कट ऑफ, प्लीज गिव इन्फॉर्मेशन। मतलब कि सर बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019-20 का लिखित एग्जाम का कट ऑफ किया गया है, प्लीज मुझे जानकारी दीजिए। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का कॉमन सा है, सर गिव मी इन्फॉर्मेशन अबाउट बाय मार्च सिलेक्शन वाज नॉट डन इन बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटर्न एग्जाम 2019-20। सर मेरा सिलेक्शन किस कारणवश नहीं हुआ, प्लीज मुझे बताइए, जानकारी दीजिए। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का यही है। एंड नेक्स्ट आपका हेयर इज माई इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपका रोल नंबर है एंड रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप लोगों का कॉमन सा है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन को। तो दोस्तों नेक्स्ट पर्सन आप नाम देख सकते हैं, जैसे कि अभिनव का मेरे पास कमेंट आ रहा था सर मेरा हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों आपका अभिनव जी कल ही हो गया था, आप लोगों ने जब आरटीआई सबमिट किया था रजिस्ट्रेशन तभी मैंने कर दिया था, बट आप लोगों को आज नाम बता पा रहा हूँ। और आपको बता दूं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी ईमेल आईडी चेक कीजिए, मैंने बाकायदा आपकी इन्फॉर्मेशन को वहां पे सेंड कर दिया है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पर जिस जो पेमेंट रिसिप्ट है वो दिख रहा है। और नेक्स्ट आपका देखेंगे तो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर है, आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जो कुछ भी कर सकते हैं। BR2020555 यहाँ पे बोला गया है 352, ये है आपका क्या एप्लीकेशन नंबर। बात करते हैं आपकी ईमेल आईडी की। तो दोस्तों आपका ईमेल आईडी अभिनव से स्टार्ट होता है, कॉन्टेक्ट नंबर स्टार्ट होता है आपका 79 या यूं कहें कि 79 से और लास्ट होता है 52, मतलब कि 52 पे आपका अंत होता है, किसका, आपके कॉन्टेक्ट नंबर का। और आपके क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम है, तीनों ही आपके क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं, मतलब कि आप कट ऑफ किया गया है एंड इसके साथ साथ किस रीजन वाइज आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और दोस्तों यहाँ पर बिहार का कैटेगरी वाइज कट ऑफ किया गया है, तीनों क्वेश्चन मैंने रखे हैं।
इसी प्रकार से हम देखते हैं बलवंत जी का। जैसे कि बलवंत जी दोस्तों आपको बता दें, बलवंत जी बिहार स्टेट से बिलोंग भी नहीं करते, ये करते हैं यूपी से बिलोंग, लेकिन इनको आरटीआई लगाना था और चूंकि आपकी साइट पर ओनली वो कैंडिडेट आरटीआई लगा सकते हैं जो बिहार के रहने वाले हों, बिहार के मेंबर हों। लेकिन दोस्तों अब इनका आरटीआई का पेमेंट मेरे पास रिसिप्ट हो गया था, तो मैंने कहा आप आरटीआई बिहार से ही लगा दीजिए, और फिर मैंने उनका इन्फॉर्मेशन ऐसा सेटअप किया ताकि उनको भी पता चल जाए बिहार के रहने वाले नहीं है, क्योंकि दोस्तों वहां पर ऑप्शन बिहार के अलावा कहीं शो ही नहीं होता, तो दोस्तों हमको गलत इन्फॉर्मेशन वहां पर सबमिट करनी पड़ी एड्रेस के रूम में। बट हमने वहां पर उनका जो इन्फॉर्मेशन पूछने का सेक्शन रहता है वहां पर उनकी बाकायदा बताइए कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, जरा देखिए। तो एप्लीकेशन के रूम में मैंने आपको स्क्रीनशॉट वगैरह भेज ही दिया है, तो बताने की आवश्यकता नहीं। चलिए मैंने आपका क्या फॉर्मेट रखा है जरा आप वो देख लीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बलवंत जी ने पूछा है, दिस इज, यहाँ पे पूछा है सर दिस साइड इज ओनली फॉर द पीपल ऑफ बिहार एंड आई एम फ्रॉम यूपी सो आई कुड नॉट फिल माई करेक्ट एड्रेस। मतलब कि सर यह साइड मात्र बिहार के लोगों के लिए है यहाँ, और मैं बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश से, तो इसलिए मैं अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सही या करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं डाल पा रहा हूँ। यहाँ पे बोला है दिस इज माई राइट एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस लिख दिया है इनका, और बाकायदा इनके भी तीनों क्वेश्चंस रखे गए हैं, इनके कट ऑफ से रिलेटेड, बिहार के कट ऑफ से रिलेटेड, इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, और बाकायदा इनका रोल नंबर, एग्जाम डेट, यहाँ पर फादर्स नेम, इनका एड्रेस वगैरह हर एक चीज यहाँ पे डाली है। तो आप टेंशन ना लीजिए, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं है, आपको मिस्टेक्स निकाल दी तो बात अलग है, बट आपका हर एक काम मैंने वो किया है जिससे कि उनको कोई कहने को ना आए, ओके। तो दोस्तों ये तो हुए वो कैंडिडेट जिन्होंने कल ही मेरे पास आरटीआई लगाने के लिए अपनी रिक्वेस्ट फिल की थी, मतलब कि रजिस्ट्रेशन किया था लिंक पर जाके। अब लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका ऑलरेडी पहले से 1 वीक समथिंग हो गया है, लेकिन उनके कमेंट देखने को मिलते हैं सर मेरा नहीं हुआ। तो अच्छे से देखिए, कान खोलकर सुनिए और आंख खोलकर देखिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग देखने के बाद भी ऐसा बोलेंगे मेरा नहीं हुआ, तो दोस्तों फिर एक आप लोग समझ सकते हैं ना। आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर नाम निकल के आता है बलवंत जी का, तो मैंने अभी बता ही दिया है। यहाँ पर नाम निकल के आता है मौना हिदुल खान जे ADS करके, क्या कमेंट रहता है इनका, इनका नाम थोड़ा चेंज है YouTube पे, बट यहाँ पे वो नाम बताते हैं मौना हिदुल खान। तो मौना हिदुल जी आप बिल्कुल अच्छे से देखिए, आपका जे है रजिस्ट्रेशन नंबर BR2020547 45, आपका ऑलरेडी कब का हुआ है, आपका हुआ है 14 तारीख को, ओके। आज जा रही है कितनी, 23 तारीख, आपका 14 तारीख को ही हो गया था आरटीआई फिल। तो आप ऐसा नहीं बोले कि सर मेरा नहीं हुआ, ओके। आपने भी वही क्वेश्चन पूछे हैं जो सबने पूछे हैं। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, नेक्स्ट पर्सन नाम निकल के आता है दीपक कुमार मांझी। दीपक कुमार मांझी का मेरे पास कॉल भी आया था और मेरे पास कमेंट्स भी देखने को मिले थे सर मेरा नहीं हुआ प्लीज कर दीजिए। तो दीपक जी आपको बता दें, आपका सबसे ही पहले हुआ था 11 तारीख को ही, आपका यहाँ पर आईटीआई फिल हो गया था 11 तारीख को, ओके। तो आप इसकी टेंशन ना लें कि आपका नहीं हुआ, आप यहाँ पर बाकायदा देख सकते हैं BR2020 54, यहाँ पे बोला गया है 128, ये आपका क्या है एप्लीकेशन नंबर, आप स्टेटस चेक करते रहिए। नेक्स्ट पर्सन निकल के आता है कौन, तो दोस्तों अगला पर्सन हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगले पर्सन के रूम में यहाँ पर और कोई नहीं, एक और था, क्या नाम है इनका, सिद्धांशु कुमार। इनका कमेंट भी शायद मेरे को देखने को मिला था कल परसों कि सर मेरा भी नहीं हुआ तो प्लीज आप मेरा कर दीजिए। तो आपको बता दें सिद्धांशु जी आपका ऑलरेडी हो गया है, आपका भी 14 तारीख को हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं BR2020545466, ये है आपका क्या एप्लीकेशन नंबर, आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आप स्टेटस चेक करते रहें आपका आरटीआई का रिप्लाई आया है कि नहीं आया, ओके। पेंडिंग में चल रहा है कि आपको सेकंड अपील लगानी होगी कि आपको थर्ड अपील लगानी होगी, बाकायदा अब आपके और उनके बीच की सारी बातें हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ऑलरेडी बहुत से कैंडिडेट के नाम बता चुका हूँ, यदि किसी पर्सन का नाम रह गया हो, चाहता हो कि सर मेरा नाम अभी नहीं आया है, तो कमेंट करें मैं देख लूंगा, यदि हो गया होगा तो बता दूंगा, नहीं हुआ होगा तो। हालांकि मैंने अभी तक जितने कैंडिडेट आए हैं सबका फिल किया है, एक दो कैंडिडेट ऐसे थे जिनका रिजेक्ट हुआ था अदर पर्सन के नाम से आया था, उनका मैंने नाम भी लिया है लिस्ट में, एक बार और ट्राई करूंगा। मैंने रणबीर का एक बार और ट्राई किया था, उसका हो गया था। तो दोस्तों बस यही सब बोलना था, मैंने हर एक चीज आपको यहाँ पर बताई है, और फ्रेंड्स आप भी चाहते हैं कि आपने इतनी मेहनत की है, आपको अपना कट ऑफ पता चले, आपको अपने मार्क्स पता चले, आपको पता चले कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ आखिरकार इतने सब कुछ करने के बाद,
ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट टाइम यदि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आप अपनी स्टडी को और अच्छा करें, और यदि कोई और रीजन है तो आपको पता चल सके। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक और मात्र एक उपाय है जिसका नाम है ITI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार 2005, जिसके तहत आप किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी नॉलेज या कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आपका अधिकार है। तो फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं RTI लगाना तो आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में RTI लिंक पर क्लिक करिए। पेमेंट करने के बाद आप अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दीजिए, आपका RTI बाकायदा लगा दिया जाएगा। आप इसके लिए कोई भी वीडियो देख लेना, चूंकि मैं बार बार नहीं बताने वाला, मैंने बहुत सी वीडियो में प्रोसेस बताई है आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट करने की। तो आप वीडियो के लास्ट तक आए होंगे तो आपको अभी वीडियोज मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर हमारे यहाँ पर जाइए, चैनल पर विजिट करिए तो आपको अंदर भी वीडियोज में मिल जाएगा। ओके, तब तक ले लेते हैं आपसे विदा। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।